बैठा है वो दारू पिया है। क्या पिया है? दारू पिया है। मैं सोचा बैठने के बाद उनके बास मारने लगा मुझसे। मैं बोला पिया है क्या? तो मैंने बोला हाँ थोड़ा पीता है। तो ठीक है अभी आप तो बैठ गया, मैं अभी मना नहीं कर सकता जाओ बोल के। तो अभी आप जंक्शन से मैं जहाँ तक आप उतरने वाला है वहाँ तक आप हरे कृष्ण मंत्र बोल रहे हैं। तो मैं उनसे पूरा, मेरे साथ बैठा है तो उनको पूरा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। सो ऐसा उनसे पूरा हरे कृष्ण मंत्र बोलने के लिए बताया, उन्होंने मेरे साथ के साथ ऐसे दोहराते हुए आया। तो उन्होंने लास्ट में पहुंच गया, हमारे जंक्शन में आ गया गाड़ी। तो हम निकल गया, उतरने ही वाला था। तो उनको बोला हम देखो आपको अभी एक स्टोरी सुनाता हूँ आप समझ लो बोल के उनको सुनाया मैंने। तो ऐसा एक सिचुएशन में एक पिताजी बहुत अमीर आदमी था वो, उनका एक बच्चा का पिताजी। तो बच्चा को जन्मदिन आया था तो पिताजी सोचा अरे मेरा बेटा का जन्मदिन है तो ज़रूर हम उनको अच्छा कपड़ा देना है बोल के उनको पूरा नया नया कपड़ा दिया। कौन? उसका पिताजी। तो पिताजी नया कपड़ा दिया और बेटा जाके स्कूल जाके आ गया। स्कूल जाके आने के बाद पूरा घूमने लगा खेलने लगा, उसके बाद पूरा कीचड़ में जाके पूरा गंदा करने लगा। जान उनको इतना जानता नहीं कि बहुत कीमती चीज़ है मेरे को मिला है कपड़ा, बहुत महंगा से मेरा पापा कमा के मेरे को दिया है, मेरा का योग्यता नहीं है फिर भी उन्होंने दिया है। तो फिर भी वो क्या कर दिया पूरा गंदा करके लेके आ गया। घर में आने के बाद पापा सोच रहे अरे ये क्या चल रहे, मैंने इतना मेहनत करके उनको अच्छा चीज़ लेके आके दिया है लेकिन ये क्या कर रहे हैं, इसको पूरा कीचड़ में जाके पूरा मिट्टी मिट्टी बना के लेके आए। तो और नेक्स्ट साल उनको जन्मदिन आ गया किसका? बच्चा लग रहा था। तो पिताजी अगला साल क्या किया है? नया कपड़ा दिया? क्यों नहीं दिया? मिट्टी कीचड़ कीचड़ का। हाँ उनको पता हो गया कि अरे ये तो पागल आदमी है, अच्छा आदमी है लेकिन वो उसका वैल्यू नहीं जानता तो उनको नया कपड़ा देने क्या फायदा है। तो उनको क्या कर दिया, पुराना फटा वाला कपड़ा दे दिया। तो उसके बाद वो समझ गया बेटा अरे मैंने गलती कर दिया, लास्ट ईयर मैंने ऐसा फटा कपड़ा को पूरा गंदे कर दिया इसलिए मेरा पिताजी इस बार ऐसा कपड़ा दिया। तो उनको मैंने ये स्टोरी सुना के समझाया कि देखिए आपने मनुष्य जीवन है भगवान ने आपको दिया है, इस कीमती जीवन को आप पूरा दारू पीने में सिगरेट पीने में और किसी को गलत काम काम करने में आप पूरा लगा दिया है। भगवान देखते रहते हैं हर चीज़, भगवान क्या ना ऑब्जर्व करते रहते हैं किसी ना किसी तरह से जो पंचभूतों से। तो क्या हो गया उन्होंने पूरा ऑब्जर्व किया, अभी आपको अगला जन्म मनुष्य से अच्छा जन्म चाहिए तो आप अच्छा भक्ति करो, माम कम से कम आप इंसान का जो काम है वो काम करो। आप ये अधर्मिक काम में जो दारू पीना उस काम में जुड़ जाएंगे तो उससे आपको दोबारा भगवान आपको इस जन्म में मनुष्य जन्म मिला है इसका कीमती जीवन को आप बर्बाद कर देंगे, आपको अगला बार मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा, आपको जानवर कुत्ते बिल्ली बनना पड़ेगा। तो मैंने जैसे समझाया उन्होंने हाँ ठीक है स्वामी जी जरूर करूँगा बोल के उन्होंने जरूर हरे कृष्ण मंत्र दोबारा बोल के किया। तो ऐसा भगवान हमको मनुष्य जन्म बहुत कीमती चीज़ दिया है, हजार हजार लाखों करोड़ मानी कि जैसे जन्म लेने के बाद 84 योनियाँ बोलता हाँ 84 लाख योनियाँ है ना उसमें मनुष्य जन्म मिलता है तो हम लोग उसको पैदा उठाना चाहिए। ये नहीं है कि हम पूरा मेरे को कुछ खाने में मिल रहे चक्का पूरा घूमने के लिए पैसा है मेरे पास जीवन जीने के लिए सब कुछ है मैं याश करूँगा, लेकिन आपका पुण्य जैसे खत्म हो जाएगा वो आपको पुण्य कैसे होने के बाद आप दोबारा बहुत ही तकलीफ में आ जाए। अभी हम लोग कुछ अच्छा सिचुएशन में है, मतलब है कि हम लोग कुछ पुण्य का वजह से है हम लोग अभी कर्म भुगत रहे हैं तो मेरे को उस स्थिति में नहीं आना चाहिए, मैं दोबारा नीचे गिर के बहुत कष्ट से मुश्किल हो गया तभी मैं भगवान को भक्ति करूँगा ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मनुष्य जन्म में जब मिला है तो हम लोग उसको भक्ति में जीवन में आगे बढ़ने के लिए हम लोग ट्राई करना चाहिए, ये आपको बार बार नहीं मिलता है इस चीज़ के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए है कि नहीं। तो आप लोग जरूर ट्राई कीजिए मनुष्य जीवन में जो कम से कम मिला है ना उस चीज़ को पहले पहचानिए, भगवान मेरे को ये नहीं दिया वो नहीं दिया पहले वो मत ढूंढिए, पहला जो दिया है उसको आप पहचानिए तभी आप भगवान का प्रति आप कृतज्ञता भाव से आप भगवान को आप रेस्पेक्ट दे पाएंगे भगवान का नाम ले पाएंगे। आप हमेशा अपना जो कमी चीज़ को ढूंढते रहेंगे आप कभी आगे नहीं बढ़ेंगे, इसलिए भगवान का भक्ति करने के लिए मनुष्य जन्म मिला है आप उसको ऐसा ऐश करने में बात करने में प्रजल्प करने में समय व्यर्थ करेंगे आप अगला अगला जन्म लेता रहना पड़ेगा उससे कुछ फायदा नहीं। तो आप कोशिश कीजिए इस मनुष्य जन्म को उद्धार करने के लिए किसके लिए मिला है आप उसके बारे में सोचिए ठीक है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरि बोल।